हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू ब्लॉग। तो आज हम लोग जा रहे हैं एक नया लोकेशन पे, और जा रहे हैं एक नए लोकेशन पे। तो आज हमारे साथ जा रहे हैं रोशन, टनकल, टापे और उधर दो जन और है। और ये रहा हमारा गाड़ी, ये उसका गाड़ी और वो इसका गाड़ी, वो चला रहा है। तो फटाफट हम लोग निकलते हैं, और मौसम आज का कुछ ऐसा है। तो चलिए दिखाते हैं कौन सा जगह है। पर फिर भी जाना ही है, और एकदम का मूड ऑफ है, फिर भी उसको जबरदस्ती ले जाया जा रहा है। बोलो तो भाई, उस लोकेशन में जाने के लिए सबसे पहले आपको कुमरिया चौक पे आना पड़ेगा, और अगर आप प्रभाजी तरफ से आ रहे हैं तो इधर बोड़िया होते हुए आना पड़ेगा, इधर कुचू रोड जाना पड़ता है। तो ये कुचू रोड तक जाना पड़ रहा अभी हम लोग को, तो सीधे आइएगा, आगे का मार्केट मिलेगा। तो देखते रहिए, लोकेशन दिखा रहे आप लोग को। रोक दो, कट कट। 13 मिनट और सीधे तो ठीक तो जा रहे हैं, उतना भी बेस नहीं है मेरा तो। काठी का पैसा काट लिया तो कौन बैंक वाला? कितना? 450। तो गाइस, यहाँ पे गूगल मैप में हम लोग रास्ता देख लिए हैं, और फिलहाल हम लोग को यहाँ से 12 किलोमीटर जाना है। कौन सा चौक नाम था भाई यहाँ? मरिया चौक से सीधे हम लोग गाइस राइट टर्न किए हैं। और आबादी से जो सीधे रास्ता जो क्रॉस करता है, उसी रास्ता पे हम लोग निकल चुके हैं। और यहाँ पे एक कुमरिया चौक है, और इस चौक से लगभग 12 किलोमीटर जाना है। देख सकते हो इधर आपका बहुत सारा रेल वाला पटरी है। तो ये सब एक बहुत सारा नहीं, एक ही है जो आई थिंक अभी फिलहाल तो हम लोग खुंदूर में है। ये है सामने हम लोग का खुंदूर स्टेशन, और सामने काफी सुंदर सा लोकेशन है, आप लोगों को देखने को मिल सकता है। यहाँ पे काफी अच्छा खासा मौसम है ना, इसमें घूमने का मजा ही कुछ अलग है। ऐसे ही मौसम है जनरली हम लोग जिसके थ्रू हम लोग आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट दे सकते हैं। अगर सपोर्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे दो रास्ता है, तो यहाँ पे हम लोग को काफी ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था। तो हम लोग यहाँ पे लोकल पब्लिक से पूछे, तो हम लोग का जो मैप में जो रास्ता बता रहा था वही रास्ता बोले कि यही रास्ता में जाना है। तो फिलहाल हम लोग उसी रास्ता पे निकल चुके हैं, और ये गाँव का एरिया है। तो देख सकते हो गाँव का एरिया में काफी ज्यादा गाय वगैरह ये सब काफी भरा हुआ है। और गाँव में अगर रोड में अगर आपका गाय वगैरह नहीं देखे तो समझिए आप गाँव में है ही नहीं। रोड में तो रोड रहता है ना आजकल, देख सकते हो गाइस फसल काफी ज्यादा फसल नहीं है, सब्जी का खेती। अब इस फसल तो है ना, होता है फसल अलग होता है, धान का होता है। धान चावल होता है। पेड़ दिख रहा भाई, पेड़ देख सकते हो काफी भूतिया काफी डरावना पेड़ लग रहा है गाइस। ये और गाइज ये थोड़ा डाउन मतलब रास्ता थोड़ा नीचे जा रहा है, और यहाँ पे सामने स्टेशन वाला फील नहीं आ रहा है। मतलब ब्रिज वगैरह है, तो यहाँ पे फील मतलब काफी अच्छा आ रहा है। यहाँ पे हिल स्टेशन वाला फीलिंग आ रहा है गाइज, देख सकते हो चारों साइड पहाड़ी पहाड़ है, और सामने पे यहाँ पे एक ब्रिज प्लस उधर भी ब्रिज है। मतलब आगे बोलिए सर जी, तो आप लोग किधर देखा लो। वीडियो में काफी मजा आने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, लास्ट तक जरूर से जरूर देखिएगा। पता नहीं आवाज सही से आ रहा कि नहीं आ रहा भाई, वो तो कंफर्म नहीं है, लेकिन लोकेशन पे जो जा रहे हैं वो आप लोगों को दिखाई के लिए जरूर मिलेगा। तो वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा।
फिलहाल यहाँ पे सबको हम लोग अपना रास्ता में थे, तो जो हमारे सबसे बड़े ब्लॉगर हैं यह सुसु आ गया है। तो फिलहाल ये अपना टंकी खाली करेंगे, साथ ही साथ एक और बंदा है। जैसा कि दिख रहा है हम लोग पहुंच चुके हैं, जो दिख रहा है वहीं हम लोग जा रहे हैं। अभी वहाँ पे आप लोग को चल के दिखाते हैं आप लोग को सीन। बस पहुंच गए हैं, बस थोड़ा देर और। बहुत मशक्कत की गए, मशक्कत के बाद गाइस हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं। बारिश आया था जिसके कारण रोड थोड़ा बहुत खराब था। होटल का नाम है झारखंड ट्राइबल फूड। यहाँ पे देख सकते हैं जगह का सबसे फेमस बतख है, तभी हम लोग यहाँ पे बतख बनवाने वाले हैं। यहाँ पे बतख है और इस बतख लोग का तालाब डुबकी लगा भाई, सबसे बड़का वाला निकला अभी, ठीक नहीं? काफी सारा बतख है यहाँ पे। इधर इधर आ गए, इधर आ गया, चलेगा चल। तो देख सकते हो दोस्तों, अभी यही बतख बनने वाला है हम लोग दोस्तों के लिए, और फिलहाल अभी ये बनेगा कुछ देर में, फिलहाल हम लोग इसी को खाने वाले हैं। दिख रहा होगा अभी हम लोग ऊपर जा, हम अभी ऊपर जा रहे हैं, आप लोगों को सीन दिखाते हैं। तब तक हम लोग यहाँ पे सामान बन रहा है और ये कुछ लोग हैं करीब लोग बैठे हुए यहाँ पे। आप लोग को लोकेशन अभी गए थे हम दिखा दिए हैं, तो बताइएगा कमेंट में कि लोकेशन कैसा है। और इस साइड का भी देखिए, यहाँ पे बतख काफी सारा है और इस जगह एक्चुअली बतख के लिए ही फेमस। तो फाइनली गाइस हम लोग यहाँ पे हम लोग अपना लोकेशन में पहुंच चुके हैं। लोकेशन आप लोग देख सकते हो काफी ज्यादा खूबसूरत है, जिसे कि हम लोग छोटा शिमला भी बोलते हैं। तो मतलब यहाँ से वादियों का क्या ही खूबसूरत नज़ारा देखने को मिल सकता है आप लोगों को। और इस जगह का नाम है तिरला, जो कि हमारे घर से लगभग 20 से 25 किलोमीटर के आसपास में ही है। और ये एरिया मतलब चिकन के लिए और बतख के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। यहाँ पे पहाड़ के ऊपर में मतलब एक छोटा सा होटल है या ढाबा टाइप से बोल सकते हैं, और वहाँ पर सामने में किचन है, तो आपको वहाँ पर जा करके ऑर्डर देना रहता है। जो कुछ भी खाना रहता है वहाँ पे आधा घंटा एक घंटा टाइम लेता है, उसके बाद यहाँ बन जाता है। और बात करते हैं गाइस हम लोग लोकेशन का, तो गाइस ये लोकेशन जो देख रहे हैं आप लोग मतलब बहुत ही अच्छा जगह है, मतलब लोकेशन बोल सकते हो गाइस माइंड ब्लोइंग। मतलब यहाँ पे आने के बाद पता चला गाइस कि ये तो छोटा शिमला है, मतलब शिमला का नज़ारा मज़े हम लोग यहाँ पे भी आकर के ले सकते हैं, देख सकते हो काफ़ी अच्छा है। तो अगर आप लोग को भी यहाँ पे आने का मन हो तो गाइस जा सकते हो। रास्ता हम लोग जैसे कि पूरे वीडियो में आप लोग देखिए, रास्ता आप लोग देख ही लिए हैं, लोकेशन डाल देंगे। और गाइस इस वीडियो को बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है हम लोग, तो उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो जरूर से ज़रूर पसंद आया होगा। तो जरूर से ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। और गाइस इस लोकेशन का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाइए और एक बार जरूर से ज़रूर चेकआउट करिए, ठीक है? तो वीडियो पर बने रहे तब तक अभी हम लोग खाना, थोड़ा देर और रुकिए क्योंकि हम लोग का जो खाना है वो प्रिपरेशन हो रहा है वहाँ पे किचन में, तो 5-10 मिनट के अंदर हम लोग का खाना आ जाएगा। तो यहाँ पे खाना भी दिखाएंगे और खाना का क्या टेस्ट है वो भी आप लोग को बताएंगे, तो बने रहे। यहाँ पे हम लोग का खाना आ चुका है, अरे बात उधर बतक का खाना लग चुका है, अरे चावल और ये बतख यहाँ पे, और ये मेरे थाले में भी आ चुका है। अरे पूरा वेटर ला फिला रहा ना रोशन, तापिया की शादी में तुम्ही को बुलाएंगे। तो फाइनली हम लोग यहाँ पे खा चुके हैं, टेस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। तो अभी बारिश भी हो रहा है और मतलब लेट भी हो रहा, तो भाई फटाफट यहाँ से निकलते क्या कि लेट हो गया और बारिश भी हो रहा है। तो आज का वीडियो बस इतना ही था, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें और